देखिए नियम तो लगाया है, बाकी यही हो कि पेपर लीक ना हो, बस ना हो। कितना परेशानी होता है? बहुत 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 परेशानी। उम्मीद है जो नया कानून लगा है उसके कारण लग रहा है कि इस बार नहीं रहेगी। हाँ, इस बार तो कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। कानून लाई है और पेपर लीक का संभावना बहुत कम है, इस वजह से उम्मीद हम लोग का पूरा है इस बार कि हो ही जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आज से एग्जाम हो रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल हम पटना में मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए पहले चरण के लिए एग्जाम होने हैं, इससे पहले जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर पर पहुँचे, उनसे जानेंगे कि इस बार किस तरीके की तैयारी है। हालांकि पिछले बार जब 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ था तो परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो गया था, लेकिन इस बार कदाचार मुक्त होने के लिए सरकार एक अधिनियम लाई है जिसके तहत यदि इस बार पेपर लीक होता है तो 1 करोड़ और 10 साल की सजा होती है। तो हम छात्रों से बात करें कि इस बार कैसी तैयारी है। क्या नाम है? राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार शरीफ से जी। आज बिहार पुलिस का एग्जाम इससे पहले पहली बार दिए थे? जी नहीं, पहली बार दे रहे हैं जी। क्या लग रहा है इस बार जो पेपर लीक का जो अफवाह, पिछले बार पेपर लीक हो गया, इस बार क्या लग रहा है? ये बार कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा जी नहीं। क्या नाम है? गौतम कुमार। एग्जाम देने आए हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। क्या लगता है कि जो पेपर लीक बार बार हो जाता है, जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी है वो आते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कितना परेशानी होता होगा? बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी होता है। पिछले बार भी दिए थे। कैंसिल हो गया। कितना दिन इंतजार करना पड़ा उसके बाद से फिर से जब है? छः सात महीने के बाद फिर से एग्जाम हो रही है। क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद है कि इस बार तो उम्मीद है जो नया कानून लगा है उसके कारण लग रहा है कि इस बार नहीं रहेगी एग्जाम में। हाँ, इस बार तो कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, तो नहीं लगता है कि बार बार जब पेपर लीक होता है लोग दूर दूर से आते हैं और पेपर लीक हो जाता है? परेशानी बहुत होता है ज़्यादा, और बार बार जो इंतजार है, उम्र निकलते जा रहा है। अच्छा, सिर्फ इसके इसके मान लीजिए कि हम फॉर्म डाले हैं, उसके बाद दूसरा काम कोई नहीं कर रहे हैं, इसके आशा में है और एग्जाम दे रहे हैं, कैंसिल हो जा रहा है। फॉर्म भरे तो बिहार पुलिस के आशा में बैठे हुए तैयारी करते हैं। हाँ, तैयारी। पेपर लीक हो जाता है तो काफी परेशानी होता है उस समय। उम्र भी निकल रहा है इसी अनुसार उम्र में कोई छूट नहीं मिल रहा है। अच्छा, कहने का जब पेपर लीक हो जाता है, लेट से एग्जाम होता है तो उम्र में छूट? मान लीजिए कि उस समय हो जाता था, अपने फिजिकल सब हो जाता, उसके बाद दूसरा कोई वैकेंसी आता तो उसकी तैयारी करते अब तो ये भी अभी हो रहा है, अभी इसके फिजिकल जो होते हुए अगला साल चल जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो इस बार जो कानून है इससे लग रहा है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, कदाचार मुक्त होगा एग्जाम? इससे तो लग रहा है कि इस बार आपकी पेपर लीक नहीं होगा, जितना कराई हुआ है बिहार पुलिस बन जाना है। हाँ, अरे पारदर्शिता से एग्जाम ले लिया तो बिहार पुलिस इस बार बन जाना है। तो फिजिकल की कैसी तैयारी है? फिजिकल बहुत टंच है। एकदम। क्या नाम है? पवन कुमार यादव, आरा से। है। क्या लगता है आज बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, इससे पहली बार दिए थे जब पेपर लीक? हाँ, दिए थे 2023 वाला दिए थे, मगर कैंसिल हो गया था। क्या परेशानी हुआ जब कैंसिल होता है? परेशानी तो बहुत हुआ था, सब मेहनत बेकार हो गया था, सारा मेहनत बेकार हो गया था। इस बार क्या उम्मीद है, क्या सोच कर रहा है, कितना तैयारी है? इस बार फुल तैयारी है। पिछली बार क्या कैसे तैयारी थी? पिछली बार भी अच्छा तैयारी था, मगर क्वेश्चन लीक होने के कारण सब दिक्कत हो गया। अच्छा, यदि क्वेश्चन लीक नहीं होता तो आपका रिजल्ट हो जाता। इस बार एकदम पूरी तैयारी है। हाँ। क्या लग रहा है फिजिकल की कैसी तैयारी है? फिजिकल बहुत अच्छा है मेरा, 5-20 डाउन है। हाँ। बिहार पुलिस हो जाएगा तो सीधे बिहार पुलिस बन जाएगा। हाँ। और क्या कहेंगे, जो पेपर लीक होता है लोग दूर दूर से आते हैं, क्या कहेंगे बिहार सरकार को, क्या कितना छात्रों को परेशानी कितना होता है? बहुत परेशानी होता है, दूर दूर से बच्चा लोग आता है, ट्रेन में भी बहुत दिक्कत होता है। ट्रेन में भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा। अभी हम लोग आ रहा से आए हुए, बहुत भीड़ था ट्रेन में। ट्रेन में बहुत भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो आज जब जाएंगे तो भीड़ तो वैसे ही रहेगा, जाएंगे तो और ज्यादा भीड़ हो जाएगा, ज्यादा भीड़ होगा। हाँ। तो 6 चरण तो एग्जाम ले रहे, 6 दिन एग्जाम है, फिर भीड़ कैसे आ रहा है? भीड़ क्यों, बेरोजगार है, क्या कीजिएगा? बेरोजगारी के कारण फॉर्म ज्यादा डला है। हाँ। 21,000 समथिंग की करीब सीट है। हाँ। 18 लाख के करीब जो है फॉर्म डला है, 18 लाख फॉर्म डला है, 21,000 सीट आया है। बेरोजगारी है, क्या कीजिएगा? बेरोजगारी है, काफी परेशानी होता है, बहुत ज्यादा परेशानी। और किसी चीज का तैयारी करते हैं और किसी एग्जाम के लिए? और हाँ, होता है, झारखंड पुलिस है, जनरल और अदर भी तैयारी होता है। अच्छा, बिहार पुलिस को लगातार शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हो रहा है। हाँ, तो बिहार पुलिस की क्यों चूज? बिहार मेरा एक फेम है, मेरा बिहार पुलिस का फेम है, बिहार पुलिस बनना। हाँ, तो बिहार पुलिस अभी पर ईमानदारी से काम कीजिएगा, ईमानदारी से काम करें। क्या नाम? आरा से आया है। आरा से आया है। आज बिहार पुलिस का एग्जाम पिछली बार दिए थे जब? नहीं, मेरा साथ का था।
क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर लीक का जो आशंका है इस बार तो सरकार पूरी तैयारी की हुई है, यानी जो पेपर लीक करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, 10 साल का सजा भी होगा, 1 करोड़ का जुर्माना का ही बात। देखिए नियम तो लगाया है, बाकी यही हो कि पेपर लीक ना हो, बस ना हो। कितना परेशानी होता है? बहुत 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 परेशानी होता है भैया। अब सोच लीजिए, अब 7 महीना वेट किए, उसके बाद फिर आया है एग्जाम, अब फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर अब वही स्थिति रहेगा। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते पूरा 1 साल के बाद आया है। हाँ, अच्छा तैयारी करते होंगे तो तैयारी में पैसा वैसा खर्च भी होता है, कोचिंग नहीं भैया। मान लीजिए हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पर हर एक महीना 500 रुपया देना है, फिर प्लस में खर्चा लगेगा, गाड़ी भाड़ा आना जाना, वो सब कहाँ से आएगा? आने में कितना परेशानी होता होगा, जैसे आज एग्जाम देना है फिर जाएंगे। हाँ, ट्रेन से आते हैं, बहुत सारा भीड़ होता है, उसमें पूरा एकदम परेशानी होता है आने में, बहुत परेशानी होता है। क्या नाम है? गौतम कुमार। कहाँ से हैं? नवादा जिला में। नवादा जिला से है, बिहार पुलिस के एग्जाम देने आए हैं? हाँ बिल्कुल। इससे पहले भी बिहार पुलिस के एग्जाम दिए? ना ना, एग्जाम देने वाले थे, 7 तारीख को हमारा एग्जाम था, उसके पहले ये कैंसिल हो गया था एग्जाम। अच्छा, क्या इस बार क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद तो पूरा है, उम्मीद पूरा है, क्योंकि सरकार कानून लाई है और पेपर लीक का संभावना बहुत कम है, इस वजह से उम्मीद हम लोग का पूरा है इस बार कि हो ही जाएगा। रिजल्ट पूरा वर्दी के साथ हम लोग तैयार, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं कि कोई और भी भर्ती का तैयारी? बहुत सब भर्ती कर चुके हैं हम लोग, इंडियन आर्मी वगैरह में भी जा चुके हैं, सब में 3 महीना ट्रेनिंग वगैरह करके लौट चुके हैं, फिर भी हमारा उस टाइम का कुछ कागजित कारण वो हमें निकाल दिया गया। तो देखिए, ये तमाम जो परीक्षा अभ्यर्थी हैं बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और आज बिहार पुलिस का जो है वो एग्जाम देने आए हैं। आपको बता दें बिहार के तमाम 545 परीक्षा केंद्रों पे बिहार पुलिस के लिए आज एग्जाम हो रहे हैं और हालांकि इस बार इन छात्रों को उम्मीद है कि जो सरकार जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर सख्ती बरती है, उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक ना हो और पूरी तैयारी करके, हालांकि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक कई बार, पिछले बार जब 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो गया था, लेकिन इस बार जो छात्र उम्मीद लेकर आए हैं कि इस बार पेपर लीक ना हो, रिजल्ट हो जाएगा। हालांकि जब पेपर लीक होता है तो इन छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अभिजीत, पटना।